मंगलवार सुबह करीब 5 बजे पारिवारिक विवाद के चलते ग्राम सुरदुंग में एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही जामुल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच आरोपी पुत्र दिनेश साहू को गिरफ्तार कर लिया है। जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हफ्ते के दौरान हुई हत्या की 2 वारदातों ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। हत्या की पहली वारदात लेबर कैंप में हुई थी। यहां चरित्र शंका को लेकर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। वहीं मंगलवार सुबह हुई हत्या के एक मामले में ग्राम सुरदुंग में एक पुत्र दिनेश साहू ने अपने पिता कबीर साहू की डंडे एवं फावड़े से सर में प्राणघातक हमला कर हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक कबीर साहू ने अपनी पहली पत्नी सरस्वती साहू को काफी पहले छोड़ दिया था और चंद्रिका साहू से विवाह कर जामुल के शिवपुरी में रहता था। पहली पत्नी सरस्वती लकवाग्रस्त है। कल रात्रि सरस्वती साहू की तबीयत ज्यादा खराब होने से पिता और पुत्र सरस्वती साहू को जामुल अस्पताल ले गए थे। वहां से उपचार कराने के उपरांत उसे वापस घर भेज दिया गया। पिता पुत्र दोनों रात्रि में साथ सोए थे। मंगलवार सुबह 4 बजे आरोपी पुत्र ने अपनी पत्नी से चाय बनाने को कहा, जिसके बाद पिता पुत्र दोनों ने साथ चाय पी। इस दौरान दोनों में बहस हो गई। आरोपी पुत्र कहने लगा कि तुम्हारे कारण ही मेरी माँ की ऐसी हालत हुई है। इस दौरान विवाद बढ़ने पर उत्तेजित होकर पुत्र ने अपने पिता की डंडे एवं फावड़े से सर में प्राणघातक हमला कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची जामुल थाना पुलिस ने आरोपी पुत्र दिनेश साहू को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की जानकारी जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन ने दी। आज प्रातः सूचना प्राप्त हुई, ग्राम सुरडुंग में एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी है। सूचना पर तत्काल पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचा और देखा कि एक पुत्र आरोपी पुत्र दिनेश साहू ने अपने पिता कबीर साहू की पारिवारिक विवाद के चलते डंडे और फावड़े से सर में चोट पहुँचाकर हत्या कर दिया है। तत्काल आरोपी पुत्र को कब्जे में लिया गया, हिरासत में लिया गया है और अपराध धारा 302 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी पुत्र दिनेश साहू की उम्र 32 वर्ष है और मृतक पिता कबीर साहू की उम्र 55 वर्ष बताई गई है। बहरहाल जामुल पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट।